हेलो दोस्तों, मिस्ट्री एडवेंचर हिंदी में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी ने ट्रेन में सफ़र तो ज़रूर किया होगा। ऊंचे ऊंचे ब्रिजों और सुरंगों से जब ट्रेन गुजरती हैं तो इसका मज़ा कुछ और ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, दुनिया में कुछ ऐसे भी रेलवे ट्रैक्स हैं जिनकी बनावट इतनी खतरनाक और रहस्यमयी है कि वहाँ से गुजरते वक्त एक बार मौत का ख्याल तो ज़रूर आएगा। इनमें से कोई समुद्र के ऊपर से तो कोई पहाड़ों की ऊंची चोटियों और गहरी खाइयों से गुजरता है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं 5 ऐसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स के रोमांचक सफर पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, डेविल्स नोज ट्रेन इक्वाडोर। इक्वाडोर और जिम्बाब्वे के बीच बना यह 12 किलोमीटर लंबा ट्रैक आपको डर से कांपने पर मजबूर कर देगा। 1902 में बना यह रेलवे ट्रैक इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना है। इसे बनाते समय सैकड़ों वर्कर्स की पहाड़ों से गिरकर मौत हो गई थी, इसलिए इसे डेविल्स नोज यानी शैतान की नाक कहा जाता है। इनमें से कईयों की तो डेड बॉडी आज तक नहीं मिली। इस रेलवे ट्रैक की ऊंचाई लगभग समुद्र तल से 9000 फीट तक पहुंच जाती है। अब आप भी अंदाजा लगा लीजिए, जब इस ऊंचाई से ट्रेन गुजरती होगी तो सफर कितना डरावना हुआ होगा। नंबर 2, ट्रेन टू द क्लाउड अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में बना ये रेलवे ट्रैक दुनिया का सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक में से एक है। 1948 में बनकर तैयार हुए इस रेलवे ट्रैक को बनने में करीब 27 साल का समय लगा था। जमीन से 4220 मीटर की ऊंचाई पर बने इस शानदार ट्रैक को ट्रेन ऑफ द क्लाउड भी कहा जाता है। 21 सुरंग और 13 पुलों से गुजरते एंडीज पर्वतमाला की गोद में बसा ये आपको उत्तर पश्चिमी अर्जेंटीना से चिली तक की सीमा की चैर कराता है। इस रेलवे ट्रैक की ऊंचाई इतनी ज़्यादा होने के कारण इसकी हर रोज जाँच भी की जाती है। नंबर 3, व्हाइट पास एंड योकान रूट अलास्का USA। दोस्तों, कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा रहे अलास्का में बना ये रेलवे ट्रैक करीब 180 किलोमीटर लंबा है। इसे व्हाइट पास ट्रैक नाम अलास्का की ऊंची चोटी व्हाइट पास के नाम से दिया गया है। ये रेलवे ट्रैक कनाडा और अमेरिका की अटूट दोस्ती की निशानी भी माना जाता है। इस ट्रैक का रास्ता पहाड़ और गहरी खाई से लगा हुआ है, जहाँ का नज़ारा किसी को भी डराने के लिए काफ़ी है। नंबर 4, जॉर्ज टाउन लूप रेल रोड USA। अमेरिका और कोलोराडो में बना ये रेलवे ट्रैक भी काफ़ी डरावना और रहस्यमय है। इनके मोड़ों और तीखे पुलों पर ट्रेन बेहद ही धीरे गुजरती हैं। दो पहाड़ियों पर बना ये रेलवे ट्रैक 1887 में बनकर तैयार हुआ, लेकिन कुछ हादसों के कारण इसे 1939 में बंद कर दिया गया था। इसके बाद कंस्ट्रक्शन में जब कुछ बदलाव के बाद 1984 में इसे दोबारा खोला गया था। ये रूट कितना खतरनाक है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि रूट तो सिर्फ 4.2 किलोमीटर का है, लेकिन 640 फुट की ऊंचाई और चौड़ाई के बाद गहराई का नज़ारा बहुत ही डरावना होता है, और सफ़र पूरा करने में ट्रेन को करीब 1.25 घंटे का समय लगता है। नंबर 5, रामेश्वरम रेलवे ट्रैक चेन्नई। दक्षिण भारत का ये रेल मार्ग समुद्र के ऊपर से गुजरता हुआ तमिलनाडु और रामेश्वर को पंपन द्वीप से जोड़ता है, इसलिए इसे पंपन ब्रिज भी कहते हैं। इस पुल की लंबाई तकरीबन 2 किलोमीटर है और इसका निर्माण कार्य अगस्त 1911 में शुरू किया गया था। 26 फरवरी 1914 में बनकर ये तैयार हो गया था। ये भारत का दूसरा सबसे लंबा पुल है। हर रोज आने वाली तूफानों और तेज हवाओं के चलते रेल का ये सफर कितना डरावना होता है, इसका अंदाजा लगाने के लिए यहाँ एक बार आना तो जरूर बनता है। तो आज का सफर यहीं तक, मिलते हैं अगले किसी मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।